हाँ तो भाई लोग, अपने बीच में फास्ट एंड फ्यूरियस 10 का ट्रेलर 2 आवर रिलीज हो चुका है। पहले हम लोगों ने ट्रेलर 1 देखा था, जहाँ पे स्टोरी काफी अच्छी थी, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा सैडेड सीन भी था कि उसमें बार बार यही नाम लिया जा रहा था कि कोई ना कोई हमें से जाने वाला है, और पूरा ट्रेलर फैमिली पे शो हो रहा था। लेकिन जब ये ट्रेलर 2 आया है तो इसमें काफी अच्छे अच्छे एक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया है, इसकी स्टोरी भी आगे चेंज कर दी गई है। लेकिन दुख की बात यह है उसके साथ साथ कि ये भाई अब पूरे फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज की आखिरी मूवी होने वाली है, जो आप लोग 2001 से देखते हुए आ रहे थे। अब इसका पार्ट आ चुका है फास्ट एक्स, जिसको रोमन का भाई एक्स है, इसको बोलते हैं फास्ट एंड फ्यूरियस 10 लास्ट है भाई। इसी के बाद अपने आप को कुछ देखने को नहीं मिलेगा, यह पूरा यूनिवर्स ही खत्म हो जाएगा, जिसको तुम अपना कार का और रेसर का या चोरी का अपना तुम समझ सकते हो। एक यूनिवर्स ही है जहाँ पे तुम्हें काफी अलग अलग तरह की मॉडल कारें देखने को मिलेंगी। और कार से याद आया कि इसमें जितनी कारें यूज हुई है शायद आप लोगों ने जीवन में नहीं देखी होंगी, इसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। पर अभी आते हैं ट्रेलर पे कि ये ट्रेलर दिखाना क्या चाहता है, जहाँ हमें पहले स्टार्टिंग में देखने को मिलता है कई नए कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुए हैं, साथ में स्टार्टिंग चोरी से ही होती है, जहाँ पे ये इस बार तो पूरी गोल्डन कार ही चोरी करते हैं। और इसी के बीच में थोड़ी मजे वाली सीन भी आती है कि अगर तुम ये चोरी नहीं करते तो क्या कहानी होती। और उसके बाद इसमें नए विलन को इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, जो अपने एक्वामैन है, जिनका रियल नाम है जेसन मोमोवा। वो भाई इसमें विलन का रोल करेंगे, लेकिन उसका भी एक कनेक्शन है, जिसको आपको इससे पीछे फ्लैशबैक में जाना होगा फास्ट एंड फ्यूरियस 5 में, जब इसके डैड मरे थे, जो कि भाई ड्रग गॉड थे, हर्नन रेस, उसी का ये लड़का है जिसका मूवी नेम होने वाला है डेंटल रेस। और ये भाई आप लोगों ने देखा, ये एक्वामैन में काफी अच्छी एक्टिंग की, और यहाँ भी एक्टिंग करेगा। और इवन इसके साथ जो ये बॉम्ब से पूरी सिटी को उड़ाता है, एक फेमस प्लेस को उड़ा के भाई मजे लेता है, और ये पूरी इसकी फैमिली के पीछे पड़ा है, क्योंकि इस पूरी मूवी का यही मेन मकसद है कि जितने भी अपने भाई डॉम भैया से प्यार करते हैं, ये उसकी पूरी फैमिली को चुन चुन के मारना चाहता है, जो इसमें उसने कई बार बताया, इसके कई इस पे कई हमले भी कराए, जो पूरे ट्रेलर में समझ में आते हैं अपने आप को कि बंदा इसके पीछे पड़ा है, क्योंकि इसके डैड को अपने यही डॉम भैया ने मारा था उधर ड्रग्स के चक्कर में, क्योंकि वो वहां का मालिक था। लास्ट में मरते तुमने देखा भी है, अगर नहीं देखा है तो जाके फास्ट 5 2011 की मूवी देख लो, तुम्हें सारा कुछ समझ में आएगा। ये उसी का लड़का अब आया है फास्ट 10 में बदला लेने, पूरी 5 मूवियों के बाद। लेकिन जहां कई कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कराए गए, जिसमें विन डीजल, डोमिक तो है ही, आपने मिचेल रॉड्रिगेज को भी देखा है जो डॉम की वाइफ है, वेटी ऑर्टिज जिसका नाम है, जेसन मोमोआ जो कि भाई रोल कर रहे हैं डेंट रेस का, जो कि तुमको मैंने अभी बताया उनके बारे में। लेकिन अपनी यहाँ कैप्टन मार्वल भी देखने को मिल रहे हैं, बैरी लार्सन एज अ टेस्ट, जो कि भाई एक एज अ सीक्रेट एजेंट की तरह आएंगी यहाँ पे, लेकिन वो भी एज अ डॉम की टीम में ही काम करेंगी। जॉन सीना का तो तुम जानते हो, जेकब टेरेटो जो उसका भाई है, सांग कैंग को भी जानते होगे जो कि हैन लू है। लेकिन जो यहाँ मेन अपने जो और ट्रेलर में सीन डाली गई है कि अपने हैन लू जाते हैं जेसन स्टैमन के पास, जो कि भाई डेकर्ड सॉ है, जो तुमने हॉब्स एंड शॉ में देखा ही होगा, सा वो आता है उसको, जैसे ही इसको देखता है उसे पता चल जाता है कि भाई गड़े मुर्दे उखाड़ना है, क्योंकि तुम लोग साले मुसीबत में ही आते हो, और जब अपने पे मुसीबत आती तब मुझे बुलाने आते हो। और ये भाई पूरा F9 का सीक्वल रहेगा, लास्ट पार्ट तो है ही, मैंने बता ही दिया है। लेकिन खुशी की बात ये है कि इसका भाई चैप्टर वाइज पार्ट निकलेंगे, दुख की बात तो थी, लेकिन अब इसके 2 पार्ट को निकाला जाएगा, क्योंकि भाई इसको ऐसे तुम कहानी नहीं दिखा सकते हो इसको न्यू फ्रेंचाइज बनाने के लिए, क्योंकि इसमें लड़के को भी इंट्रोड्यूस किया गया डॉम के। तो ये पूरी मूवी फैमिली बेस्ड होने वाली है, क्योंकि इसमें फैमिली को डिस्ट्रॉय करने की हमेशा बात हो रही है। फास्ट एंड फ्यूरियस की टीम को तोड़ा जाएगा, जो कि भाई अपने जेसन मो भैया कई बार डायलॉग में यही दिखाना चाह रहे हैं कि तुम्हारी फैमिली को मैं बर्बाद कर दूंगा, क्योंकि तुमने मेरे डैड को मारा है। पूरी कहानी ऐसे सीक्वल होने वाली है, और आगे जो बनेगी वो तो चैप्टर 2 में हमें देखने को मिलेगा, कहानी आगे बनेगी। लेकिन इवन वहां न्यू कास्टर लगाए जाएंगे, और इसका बजट पूरा $340 मिलियन होने वाला है। और पूरा ट्रेलर जिस तरह बनाया गया, इसमें कारें काफी यूज की गई है, जिसमें 2024 मॉडल की 6 ऐसी कारों की फोटो और वीडियो लीक हो चुकी है, जिसके बारे में हम बात करेंगे, जो कि इलेक्ट्रिकल है, जिसमें पहली कार आती है डॉट चार्ज डस्टन SRT, फिर दूसरी आती है लोरोलेंस अल्फा 5, फिर आती है डॉट चार्ज RT, और 2023 मॉडल डॉट चार्ज SRT, पांचवें नंबर पे आती है हेलकॉट रेगियो, और छठवें नंबर पे आती है 1917 चार्ज RP, जो सातवें नंबर पे आती है वेल साइड माजडा RX7FD, और आठवें नंबर पे आती है लैम्बोर्गिनी, नौवे पे अल्फा रेमियो 159, फिर ऐसे आती है नेरसन सिल्का पोर्चे 911997 GT3 RS, और आती है डस्टन 240Z कैनवर लॉफ्ट एम्पेला 1964 एंड फेरलेना एंड CI अमीनो एंड हार्ले डिवीजन। ऐसी पूरी इतनी गाड़ियों का इन लोगों ने कलेक्शन करके रखा है ना अपने में, कि इतना पैसा तो ये लोग बर्बाद कर रहे हैं उसके हिसाब से सही है, क्योंकि इतनी महंगी कारों के साथ तुम मूवी बना रहे हो। साथ में जो देखने लायक है, इसके एक्शन सीक्वेंस है जो मूवी में इंट्रोड्यूस कराए जाएंगे, जिनको कैसे इन लोगों ने कंपेयर किया है, ऐसा इन लोगों ने अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाया, जहां कारें तो लाजवाब है लेकिन जो विलन का एंट्री इन लोगों ने रखा है काफी अच्छा है। लेकिन जो दुख की बात ये है कि अब ये मूवी का सीरियल पूरा खत्म होने वाला है, जहां हम लोगों ने अभी तक 2000
एक से इसको काफ़ी इंजॉय किया, काफ़ी अच्छा फ्रेंचाइज बना रहा था। लेकिन खुशी की बात ये थी कि इसके जो मेन लीड एक्टर थे उसको चेंज नहीं किया गया है, लेकिन अभी थोड़ा और इसकी कहानी, जैसा अगला पार्ट इसका आएगा चैप्टर 2 करके, उसमें आपको देखने को मिलेंगे अपने द रॉक भैया, जिसको तुम जानते हो गए हॉप्स, वो एंट्री करेंगे और शायद आके फैमिली को बचाएंगे, क्योंकि इस जिस तरह इसको भाई डॉम को मार देंगे वो काफ़ी गलत बात हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्ट मेन एक्टर को इसमें हटा देना, इसको तुम अलग नज़रिए से देख सकते हो कि अपने हॉप्स भैया आएंगे उसको बचाएंगे, जैसे उन्होंने फास्ट 6 में किया था, तुमने देखा भी था। लेकिन अब आप बताइए इसमें पूरे आपको एक्शन सीक्वेंस देख के क्या लगा, और आपको एक्शन सीक्वेंस कैसे लगे, और इसका विलन का रोल कैसा लगा, आप अपने ओपिनियन कमेंट में कर दीजिएगा, और हम इसका दूसरा पार्ट भी लाएंगे। आप तब तक देखते रहिए HBT Explained। मिलते हैं अगली वीडियो में।